बच्चों, प्यारे बच्चों, 12th क्लास क्या चल रहा है? आज हम इस ग्रुप 16 को एंड करने वाले हैं और इसमें जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। लास्ट वीडियो में भी हमने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़ी थी, पर वो डिटेल में पढ़ी थी, मतलब उनका हमने जो डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स थी वो पढ़ी थी, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। उसमें आप ये भी बताया था आपको क्या आ सकता है, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है, किसकी? सल्फर की, ठीक है। तो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, जब सल्फ्यूरिक एसिड जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले पढ़नी है इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, फिर इसका पढ़ना है प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इसकी प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो हमारे पास है ठीक है, इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो सीधा टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, मेरे साथ लर्न करोगे आप, ठीक है। देखो पहले लर्न कर लेते, सबसे पहले हम सल्फर का, मेरे साथ लर्न करना, सल्फर का ऑक्सीडेशन करके SO2 बनाएंगे, SO2 का ऑक्सीडेशन करके SO3 बनाएंगे, SO3 में H2SO4 डाल के ओलियम बनाएंगे, ओलियम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और फिर ओलियम में पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करके हम H2SO4 बनाएंगे। रिपीट करें, सल्फर का ऑक्सीडेशन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप SO क्या बनेगा, SO2, दूसरा स्टेप SO2 का ऑक्सीडेशन। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड? देखो दो तरीके हैं, या तो सल्फर का ऑक्सीडेशन कर दो, S+O2 gives you SO2, या आयरन का पाइराइट लो, इसको क्या बोलते हैं आयरन पाइराइट्स, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। तो आयरन जो है वो Fe2 बन के बाहर निकल जाएगा और जितना भी सल्फर है 4 2 8 वो SO2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला स्टेप क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, कैसे, या तो सल्फर के ऑक्सीडेशन से या आयरन पाइराइट्स के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, SO3 बनाएंगे, सॉरी SO3, ठीक है जी। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2SO2 प्लस O2, अब ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, 2SO3 डेल्टा एच होती है 196.6, मतलब एक्सोथर्मिक है, 196.6 किलोजूल हीट बाहर निकलेगी। अब देखो अभी हम इस स्टेप को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम चारों स्टेप पूरे कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर हम इस इंडिविजुअल स्टेप को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 720 केल्विन जो आपका टेम्परेचर चाहिए, 2 एटमोस्फेयर का प्रेशर चाहिए, पहला, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन इसमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है बेटा। अभी इनको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास SO3 बन गया बेटा, ठीक है, आते हैं अपने थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब हम SO3 में क्या करेंगे, हम SO3 को एब्सॉर्ब कराएंगे H2SO4 में, एब्सॉर्प्शन ऑफ SO3, ठीक है, इन कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इस स्टेप के ऊपर भी बात करेंगे, देखो हम H2SO4 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, हम ये वाला स्टेप भी कर सकते थे, H2SO3 बनने के बाद हम उसमें डायरेक्ट अगर पानी डालते हैं, ठीक है, तो H2SO4 बनता है। या अब इसका उल्टा भी देखो, अगर हम H2SO4 को 444 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वापस ये टूट के SO3 और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हमने बोला SO3 हमारे पास यहां पे बन गया, उसमें डायरेक्ट पानी डाल दो,
और स्टेरोसोफोर बना दो, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे इसको भी हम कंडीशंस में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, SO3 को हम कंसेंट्रेटेड स्टेरोसोफोर में डालेंगे और क्या बनाएंगे, H2S2O7, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या बेटर नाम है ओलियम, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या, रिवाइज कर ले, सबसे पहले SO2 बनेगा, दो तरीके से बन सकता है। फिर सेकंड स्टेप में सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, दिस इज द मोस्ट SO2 का ऑक्सीडेशन होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अभी डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे स्टेप में हम जो SO2 बनेगा उसको हम कंसेंट्रेटेड स्टेरोसोफ के अंदर एब्जॉर्ब कराएंगे और ओलियम बनाएंगे, ठीक है। और चौथा स्टेप जो हमारे पास है, जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू गेट H2SO4, ठीक है बच्चे। हम ओलियम में पानी डालेंगे, H2S2O7 में अगर हम वाटर डालेंगे तो हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिलेंगे, ठीक है बच्चों। जो H2SO4 यहाँ पे मिलेगा ये 98% कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या मिला, SO2 बनाना है, फिर SO3 बनाना है, फिर ओलियम बनाना है, फिर H2SO4 बनाना है, एग्रीड, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं कंडीशंस, कंडीशंस फेवरिंग किसकी, द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। क्या लिखना है, वो कंडीशन जो H2SO4 की फॉर्मेशन को फेवर करेगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है स्टेप सेकंड, कौन सा स्टेप है, स्टेप सेकंड। तो उस पर हम बहस करने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं, देखते हैं व्हाट इज स्टेप नंबर सेकंड क्या है। 2SO2 था प्लस O2 था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, 2SO3 था, डेल्टा एच 196.6 किलो जूल था, फिर हमने बोला यहां पे टेम्परेचर आएगा 720 केल्विन, फिर यहां पे हमने बोला प्रेशर 1.5 टू 2 बार, चलो 2 बार ही लिख देता हूं, चलो 2 एटमोस्ट बार ही लिखते बेटा, हाँ ज्यादा अंतर नहीं होता बार एटमोस्ट में। और तीसरी बात कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो उसमें एक प्रिंसिपल काम करता है और उसका नाम है ली शैटिलियस या ली शैटिलियस प्रिंसिपल, ली शैटिलियस प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। अब ली शैटिलियस प्रिंसिपल हमें बताएगा कि कौन कौन सी कंडीशन जो हमने कंडीशन रखी है वो हमने क्यों रखी है, ठीक है बच्चों, याद आ गया। तो पहली बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। देखो अब टेम्परेचर जब हमें, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इस स्टेप में, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है तो हमें डेल्टा एच देखना होता है, सीधी सीधी बात, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हमें बताना है तो हमें डेल्टा एच देखना होता है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो हाई टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। क्या बोला हमने, ली शैटिलियस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें एक स्टेप एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरा एंडोथर्मिक होगा, एक एक्सो तो दूसरा एंडो, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जिसको हीट चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या, हीट बाहर निकल रही है, जितनी हीट फॉरवर्ड में बाहर निकल रही है बैकवर्ड में उतनी कंज्यूम होगी, मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में 196.6 किलो जूल हीट बाहर निकल रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन में -196.6 हीट कंज्यूम होगी, यानी कि फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड उतना ही एंडोथर्मिक होता है। और ली शैटिलियस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक एक्सो है दूसरा एंडो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इट विल फेवर द एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है। तो कौन सा चेंज हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, हमें SO3 बनाना है, तो SO3 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कौन सा है, एक्सोथर्मिक, देयरफॉर लो टेम्परेचर विल फेवर
फॉर्मेशन ऑफ SO3, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा SO3 बनेगा उतना ज्यादा H2SO4 बनेगा, है ना, जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा H2SO4 बनेगा, लास्ट में H2SO4 में कन्वर्ट होगा, तो SO3 ज्यादा बनेगा तो टेम्परेचर कम करिए, तो हम ये बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमने लिखा 720 केल्विन, तो 720 ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो जिसमें की रेट हमारा मैक्सिमम रहेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो जिसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम रहेगा, और हमने ये लिखा एक्सपेरिमेंटली करके कि 720 केल्विन पे हमारा सबसे ज्यादा SO3 बनता है, इसलिए हमने 720 केल्विन टेम्परेचर लिया। प्यारे बच्चे यहां तक समझ में आया, ठीक है अब आगे चलें, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप, नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड कंडीशन, ये यहां तक समझ में आ गया, चलो 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 जल्दी जल्दी आगे चले, ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम स्टेप नंबर, अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास है प्रेशर, ठीक है, अब देखो प्रेशर के लिए नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स देखने होते हैं, क्या बोला सबने, प्रेशर के लिए अगर प्रेशर का इफेक्ट किसी इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में बताना है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो आपको क्या देखना पड़ता है बच्चे, आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ते हैं। अब यहां देखो, यहां पे गैस के कितने मोल्स हैं, O2 भी गैस है, SO3 भी गैस है, यहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स 3 है और यहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स 2 है, ठीक है। अब ली शर्ले प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज्यादा है और एक साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वो वाला स्टेप फेवर होगा, ठीक है, जहां पे कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बन रहे हैं, क्या बोला मैंने, एक साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ज्यादा है, एक साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वो वाला रिएक्शन फेवर होगा जहां पे कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है, यानी कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, यानी कि SO3 ज्यादा बनेगा, तो मैं चाहता हूं SO3 ज्यादा बने, क्योंकि SO3 ज्यादा तो H2SO4 ज्यादा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा सिंस, क्योंकि प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स में कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स है, ठीक है बच्चों, देयरफॉर हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, ठीक है। अब हमने प्रेशर कितना लिया, अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो दो बार प्रेशर लिया, दो बार थोड़ा ज्यादा है, आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ज्यादा प्रेशर बना सकते, ठीक है, तो देयरफॉर हाई प्रेशर ऑफ टू बार इज अप्लाइड, ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब आप बोलोगे सर वेरी हाई प्रेशर क्यों लगाया, दो से ज्यादा लगा। अब यहां पे नोट है, ठीक है, ये जो हो रहा है ना रिएक्शन, ये आयरन के कंटेनर में होता है, किसमें होता है, आयरन के कंटेनर में, और कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व है, SO2 और SO3, ठीक है, दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स है, क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो ये एसिडिक ऑक्साइड और ये एसिडिक ऑक्साइड आयरन के जो कंटेनर होगा उसकी वॉल्स में चिपक जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है और मैंने यहां पे बहुत हाई प्रेशर लगा दिया, हाई प्रेशर अगर मैंने लगा दिया तो SO2 और SO3 आप चिपक जाएंगे वॉल्स में, SO2 SO3 चिपक जाएंगे। अब क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड्स है, ये आयरन का कंटेनर है, और आपने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पढ़ा था कोरोजन और रस्टिंग, कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन, और आपको पता है कि रस्टिंग जो है वो एसिडिक मीडियम में होती है, यानी कि एसिडिक अगर मीडियम है तो वो रस्टिंग को फेवर करता है, ठीक है। तो क्या होगा, हाई, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाने से जो एसिडिक ऑक्साइड्स है वो आयरन की वॉल्स में स्टिक करना शुरू कर देंगी, और क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड्स है वो आयरन के वेसल को कोरोड करना शुरू कर देगी, क्या करना शुरू कर देगी,
करोड़ करना शुरू कर देगी। मैं क्या लिखता हूं, नोट, वेरी हाई प्रेशर कैन नॉट बी अप्लाइड सिंस बोथ SO2 एंड SO3 एंड SO2 आर एसिडिक ऑक्साइड्स विल स्टिक ऑन द वॉल्स ऑफ एफी वेसल एंड स्टार्ट्स कोरोडिंग देम। ठीक है, ये समझ में आया प्यारे बच्चों? तो क्या करेंगे, दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स है वो आयरन की वॉल पे स्टक हो जाएंगे और उसको कोरोड करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर 1.5 से 2 एटमॉस्फेयर का 2 बार तक का लगाना है। कहते समझ में आ गए दोस्त, समझ में आ गए। अब तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है सर आपने तो कैटलिस्ट क्या लिया, कैटलिस्ट हमने लिया V2O5। अब यहां पे जो स्टेप थर्ड आता है V2O5 इज प्रेफर्ड ओवर प्लैटिनम, क्या कोई और कैटलिस्ट ले सकते हैं? ठीक है, अब देखो इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूं और बहुत डिटेल में जाऊंगा, अननेसेसरी बहुत लेंदी हो जाएगा। कौन सा कैटलिस्ट लिया, V2O5, कोई और ले सकते थे प्लैटिनम। तो V2O5 को ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि व्हाई V2O5 वैनेडियम पेंटोक्साइड इज प्रेफर्ड ओवर प्लैटिनम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, अब देखो क्या है, दो कारण से V2O5 को हम प्रेफर करते हैं ओवर प्लैटिनम। पहला कारण है कॉस्ट, प्लैटिनम महंगा होता है और V2O5 सस्ता होता है। ठीक है, तो ड्यू टू टू रीजंस दिखाई दे रहा है बच्चों। तो हमने क्या बोला, V2O5 को हमने प्रेफर किया ओवर प्लैटिनम दो कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है, V2O5 जो है वो चीपर है और प्लैटिनम जो है वो कॉस्टली है। पर जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या कारण है, ऑब्वियसली बात है आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस बना रहे हैं, H2SO4 इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री बना रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आप उसको बेचेंगे पैसा कमाएंगे, है ना? तो पैसा कमाएंगे तो सस्ता बनना चाहिए ना, जो बन रहा है हमारा वो कॉस्ट कम होनी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो ज्यादा फायदा होगा, है ना बच्चों? प्रैक्टिक बोलोगे कभी H2SO4 बनाने के तो बात का ध्यान दूंगा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, जो दूसरा कारण है देखो, SO2 कैसे बना, सल्फर के ऑक्सीडेशन से या आयरन पाइराइट्स के ऑक्सीडेशन से। आयरन में जो कॉमन इंप्यूरिटी, याद रखना सल्फर के ओर से जो कॉमन इंप्यूरिटीज होती है वो होती है आर्सेनिक की। क्या होती है, आर्सेनिक की। ठीक है, अब क्या होता है, SO2 में आर्सेनिक भी है और प्लैटिनम भैया के पास, प्लैटिनम इसके 5d में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू V2O5 में वैनेडियम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5। अगर आप वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखो, वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 3d3 4s2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बना सकते हैं, 5। अब V2O5 बनाया अपने पांचों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कराया और अपने पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचाया। क्या बोला मैंने, वैनेडियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है 3d और 4s में मिला के। जब ये P2O5 बनाता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 लाता है, अपने पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचाता है, तो जो सल्फर के अंदर आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज होती है उसका V2O5 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग मी, समझ में आया? पर प्लैटिनम जो होता है इसके पास 5d8 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक इंप्रेशन होता है और इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी की वजह से इट गेट्स पॉइजन, यानी कि आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज
प्लैटिनम के उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके प्लैटिनम के साथ रिएक्ट कर जाती है, इसकी वजह से प्लैटिनम पॉइजन हो जाता है और अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है, सिंस प्लैटिनम गेट्स पॉइजन्ड, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, बाय आर्सेनिक इंप्यूरिटीज विच आर नॉर्मली प्रेजेंट, सल्फाइड्स जिससे कि SO2 बना है। ठीक है बेटा, तो ये दो कारण है जिनकी वजह से हम लिथियम को प्रिफर करते हैं प्लैटिनम के ऊपर, प्लैटिनम के ऊपर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब तीन रीजन हो गए, चौथा रीजन क्या है कि हम ये बोलते हैं, हमने बोला था चौथा पॉइंट क्या है इसमें, फोर्थ पॉइंट है, हमने बोला था कि SO2, SO3 जब हमारा बन गया, इसमें हम पानी नहीं डालते हैं, H2O में जाके हम H2SO4 बना सकते थे, हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया, SO3 को H2SO4 में डाल के H2S2O7 बनाया, और H2S2O7 में हमने क्या डाला बच्चों, हमने डाला वाटर और H2SO4 बनाया। हम ये चीज तो करते हैं पर ये चीज नहीं करते। ठीक है, अब बच्चे सवाल पूछते हैं, सर क्यों, एक स्टेप बच जाएगा, फिर कुछ बोलते हैं सर यहां दो मोल बन रहे हैं या एक मोल बन रहा है या ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, इसलिए ऐसा करते हो ना, आप बोल सकते हैं नहीं, कारण ना बताओ। SO3 में जब आप पानी डालते हैं तो वो रिएक्शन जो है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये ए है, ये बी है, रिएक्शन ए is highly exothermic। क्या है बच्चों, highly exothermic है। ठीक है, इसकी वजह से and therefore produces dense H2SO4 vapors। क्या होता है इसकी वजह से, जो H2SO4 बनता है क्योंकि हीट बाहर निकल रही है, वो H2SO4 को वेपराइज करा देती है। ठीक है, तो H2SO4 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैस को संभालना आसान है, लिक्विड को संभालना आसान है, और वैसी बात है लिक्विड को संभालना आसान है। ठीक है, तो H2SO4 की डेंस वेपर्स बन जाती है तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कि उससे फिर कंडेंस करो, उसके लिए फिर एनर्जी यूज करो। ठीक है, तो हम बोलते हैं, हम सिंपल लिखते हैं, डेंस H2SO4 वेपर्स which makes the operation difficult, which makes the operation difficult। ठीक है, इसलिए हम SO3 में डायरेक्ट वाटर नहीं डालते, हम क्या करते हैं, पहले ओलियम बनाते हैं और ओलियम का हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसके बाद हम H2SO4 बनाते हैं। मेरे ख्याल से चार स्टेप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे मूव करते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हम H2SO4 की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है बच्चों, पर सीधा काम की बात, विदाउट एनी, समझ गए होंगे ना, ठीक है, सीधा काम की बात बस। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 के ऊपर। ठीक है, प्रिपरेशन हमने कर ली है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ ली है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहली बात, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, चलो बोलो आप ही बोलो। देखो बेटा क्या, ये जो होता है, ये होता है डेंस ऑयली लिक्विड, ऑयल की तरह होता है बेटा, चिपचिपा, हाईली डेंस होता है। आप बोलोगे सर क्यों होता है, दूसरी बात, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई विस्कोसिटी होती है, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो हम बोलेंगे उसको लो वोलेटिलिटी, यानी कि वोलेटाइल नेचर बहुत कम है। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों है, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
एक्सटेंसिव आर्चिंग बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला बच्चों, हाई बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि जल्दी से बॉइल नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जल्दी से मेल्ट नहीं होता, हाई विस्कोसिटी होती है इसकी और लिक्विड्स के कंपैरिजन में, विस्कस नेचर मतलब चिपचिपा, ठीक है, क्या विस्कस तो पता है ना, विस्कोसिटी पता है, वोलेटाइल नेचर बहुत कम है इसका, क्यों है, क्योंकि सबका कारण एक ही है, क्योंकि इसमें होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे सर कैसे, स्ट्रक्चर बता रहा है H2SO4 का, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH ऐसा होना है। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो H2SO, जब आप बीकर में रखोगे तो क्या होगा बेटा, H2SO4 कैसे रहेगा बीकर में, ऐसे रहेगा, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना, ये इधर बना, ये इधर बना, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, तो क्या बना रहा है, ये एक मॉलिक्यूल एक इधर, दो इधर, तीन इधर, चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना, ठीक है। तो वो बोलेगा H2SO4 is a high boiling point, why? Hydrogen bonding. H2SO4 is low viscosity, why? Hydrogen bonding. H2SO4 has a low volatile nature as compared to other acids, why? सबका आंसर है hydrogen bonding. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाय। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और है, ठीक है, पता है कौन सी, इसका एसिडिक नेचर, क्या बोला हमने, एसिडिक नेचर, हम बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड, क्या बोला हमने, H2SO4 डाइप्रोटिक है, डाइप्रोटिक मतलब ये दो प्रोटॉन रिलीज करता है यानी कि दो H पॉजिटिव देता है, कल हमने पढ़ा था, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, जो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ऑक्सीजन से अटैच होकर तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन एच पॉजिटिव बन गया, बाहर निकल जाएगा, हम बोलेंगे H2SO4 डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, H2SO4 को जब आप पानी में डालते हो, एक्वस रेशियो में डालते हो, तो पहला ही इतना एच पॉजिटिव निकालता है और इसमें डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 10, ठीक है। दूसरा थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, अपना दूसरा एच पॉजिटिव भी लूज कर देता है और सल्फेट आयन बनाता है, ये कौन से, बाइसल्फेट आयन, ये कौन से, सल्फेट आयन। जब इसके के टू की वैल्यू देखते हैं तो 1.2 × 10⁻²⁻² होती है, ठीक है। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देख के ही थ्योरी बनानी चाहिए। पहला क्वेश्चन कि why for H2SO4 या for any acid K1 is greater than K2, ठीक है, K1 K2 से ज्यादा क्यों है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, K1 पहला प्रोटॉन आप किससे निकाल रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, सिंस द फर्स्ट प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल H2SO4 मॉलिक्यूल, देयरफॉर इजियर, दिखाई दे रहा है। देखो हमने जो बोला, ये लो अब दिखाई दे रहे हैं, हमने बोला H2SO4 का जो पहला प्रोटॉन आप निकाल रहे हो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकाल रहे हो, ठीक है, इसके आधार पर, बट सेकेंड प्रोटॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज क्या HSO4 नेगेटिव आए, therefore difficult. पहले समझिएगा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बाय कॉमन सेंस की बात है,
आप नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या नहीं, तो निकलने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं, तो देर में निकलेगा, तो के टू यानी कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कम है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ या ना? ठीक है, अब देखो एक्सप्लोसिव फोर्स, तो पहला सब समझ में आया कि पहला प्रोटॉन जो हम निकाल रहे हैं वो न्यूट्रल एक्सप्लोसिव फोर्स से निकाल रहे हैं, और न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज में निकालना आसान है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज आयन से पॉजिटिव चार्ज का बाहर निकालना। ठीक है, इसलिए एक्सप्लोसिव फोर्स पहला प्रोटॉन जल्दी बाहर निकालता है, एनसीईआरटी में पूछेगा ये। ठीक है, ठीक है, पहला प्रोटॉन बाहर निकालता है जल्दी और दूसरा प्रोटॉन देर में बाहर निकालता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सप्लोसिव फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड कंसीडर क्वेश्चन, एक्सप्लोसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अदर पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक समझ में आया, जैसे एसटीपीओ फोर है, ठीक है, ठीक है, जो और पॉलीप्रोटिक एसिड है एसटीपीओ थ्री एसटीपीओ फोर है उनसे स्ट्रॉन्गर एसिड एक्सप्लोसिव। इसका देखो के वन तो ज्यादा है ही, और पॉलीप्रोटिक एसिड के कंपैरिजन में इसका के टू भी बहुत ज्यादा है, जैसे एसटीपीओ फोर है उसका के टू की वैल्यू आती है 10^-7 -7, तो एक्सप्लोसिव फोर इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ इट्स हायर के वन एंड के टू, मेनली के टू। ठीक है, अगर आप इस के टू को और एसिड्स और पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो कि ज्यादा एक से ज्यादा प्रोटॉन्स देती है उनसे कंपेयर करेंगे तो एक्सप्लोसिव फोर के टू की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू अदर पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, तीसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। समझ में आया यहां पर? समझ में आया बच्चों? तो अब हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, एस्टोसो फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? सिंस इट लिबरेट्स NaCNT नेसेंट ऑक्सीजन। देखो बेटा क्या मैं आपको एक चीज बताता हूं, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है +6। जब ऑक्सो एसिड में जो सेंट्रल एटम है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +5, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6। ठीक है बच्चों, अब क्या है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोला हमने, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रल एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना +5 +6 हाईएस्ट की बात कर रहा हूं। जब सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कॉमन क्वेश्चन है, तो उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, और उस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से वो किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और इसीलिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, या आप ये बोल सकते हो कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऐसे H2SO4 में सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6। ठीक है, तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसके पास है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। पर हमने यहां पे लिखा है, हमने बोला क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैसे टूटेगा, ये H2O देगा और क्या देगा, SO2 देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं NaCNT नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ट्रिक्स देखना। ठीक है, क्या बोला, ट्रिक्स देखना, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स
देखो ट्रिक देखना, ट्रिक देखना फटाफट, ठीक है। पहले H2SO4 को तोड़ो, H2O बनाओ, SO2 बनाओ, नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकालो, ठीक है। फिर मेटल को उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ए पार्ट है जिंक, जिंक को इस ऑक्सीजन को खिलाओ और ZNO बनाओ, ठीक है। पर एक रूल याद रखना, मेटल जब H2SO4 के साथ कन्वर्ट होगा, मेटल किसी भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा अपने सल्फेट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फेट में। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बना, यहां पे जीरो है, यहां पे प्लस टू, ऑक्सीडेशन तो हो गया, ठीक है। पर इस जिंक ऑक्साइड को जो H2SO4 बीकर में होगा वो डीकम्पोज कर देगा, कैसे कर देगा, ZnSO4 बनाएगा और H2O को बाहर निकालेगा। टेक्स्ट वन में आई, पहले तो ये वाला रिएक्शन लिखना है, ठीक है पहले बच्चों। फिर इस ऑक्सीजन को मेटल को खिलाना है, मेटल ऑक्साइड बनाना है, फिर वो मेटल ऑक्साइड का जो बचा हुआ H2SO4 है, बीकर में तो होगा ना, हो वो इस मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज करके मेटल सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, जिंक ये तो कैंसिल हो जाएगा, जिंक प्लस 2H2SO4, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और क्या बनेगा, SO2 बनेगा, और एक पानी मिलके बनेंगे दो पानी। टेक्स्ट समझ में, एक और एग्जांपल देता हूं, समझ में आ रहा है, आसान है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। क्या देखो, सेकेंड है कॉपर, तो सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 को तोड़ के SO2 बनाना है, H2O बनाना है और नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकालना है। फिर कॉपर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खाएगा, CuO बनाएगा। फिर बचा हुआ H2SO4 क्या करेगा, इसको तोड़ के CuSO4 बनाएगा और क्या बाहर निकलेगा, ये CuO है बच्चों, हाँ, और क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस ये CuO कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2H2SO4 है, ठीक है। क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और दो पानी बाहर निकल जाएगा। एग्रीड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल समझ में आया बच्चों, आया। आगे चले सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन इसका ऑफ नॉन मेटल्स। अब इसकी ट्रिक याद रखना, इसकी ट्रिक याद रखना, नॉन मेटल्स में जब आप H2SO4 डालेंगे तो वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कार्बन में डालोगे तो H2CO3, फॉस्फोरस में डालोगे तो HCPO4, हाईएस्ट ऑक्सो एसिड का मतलब है, ये ट्रिक है कि नॉन मेटल ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट होगा और उस ऑक्सो एसिड में उस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगी, ठीक है। जैसे पहला कार्बन टू H2CO3, कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम क्या होती है, +4, ठीक है। अब याद है ट्रिक देखो, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना है, H2SO4 टूटेगा, H2O, SO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, ध्यान देना सर, ठीक है। कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, H2O खाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन खाएगा और H2CO3 बनाएगा। अब यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 3, यहां पे कितने हैं, 2, तो यहां पे क्या करोगे, 2 लिखोगे, यहां पे कितना था, 1, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और क्या करोगे, ऐड, हो गया वो रिएक्शन। तो क्या बनेगा, रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, रिएक्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या बना मेरे पास, कार्बन बना प्लस क्या बना, 2H2SO4 बना। अब यहां पे क्या बनेगा, H2SO2 कैंसिल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, क्या बना, H2CO3 बना और क्या बना, 2SO2 बना, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। बोलो समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो क्या,
और करने, चलो एक और कर लेते हैं, दूसरा फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, कौन सी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड क्या होती है बच्चों, C3PO4, हाँ या ना, ठीक है, फॉस्फोरस किसमें कन्वर्ट होगा, H3PO4 में। अब आते हैं वापस, सबसे पहले क्या लिखना है, H2SO4 को तोड़ना है, अब तो याद होगी होगी बच्चों, SO2 बनेगा, अब फॉस्फोरस किसमें कन्वर्ट होगा, H3PO4 में, अब यहाँ ऑड ऑक्सीजन आ गया तो उसको बैलेंस कर दो, और हाइड्रोजन आ गया तो बैलेंस कर दो, फॉस्फोरस कितने हो गए, 2, यहाँ पे लिखो 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो कितने पानी, 3 पानी, भैया हाइड्रोजन कहां से आएगा, वाटर से, अब ऑक्सीजन कितने, 4 × 2 = 8, यहां पे कितने, यहां पे कितने हैं, 3 है, कितने चाहिए, 8 चाहिए, कितने ऑक्सीजन लिखोगे, 5 ऑक्सीजन, यहां पे कितना है, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से, और क्या करूं, ऐड करूं, तो क्या होगा, 2P + 5H2SO4, अब पानी कितना, 5 पानी, 3 पानी, क्या बचेगा, 2, 3 पानी यहां पर बचेगा, 2H3PO4 प्लस 2 पानी के मॉलिक्यूल प्लस 5SO4 के मॉलिक्यूल, आगे बैलेंस करना, आगे बैलेंस करना, हाँ या ना, चलिए तो ये हो गया, चौथी प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, ऑक्सीडाइजिंग नेचर H2SO4 का, हमने बोला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेटल नॉन मेटल सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्शन ऑन सॉल्ट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन सॉल्ट्स, ठीक है, देखो बेटा हम ये बोलते हैं कि जब ये सॉल्ट्स, ठीक है, when reacted with salts used to produce more volatile acids, कौन सी acids, more volatile acids, ये याद रखना, ठीक है, more volatile मतलब जैसे हमने NaCl डाला, NaCl में H2SO4 डाला, ठीक है, उपाय ना, तो Na2SO4 और क्या होना, 2HCl, अब HCl क्या होता है, मोर वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट H2SO4 से कम है, ठीक है, जैसे CaF2 लिखा, इसको H2SO4 में डालो, तो Ca और SO4 बार, और क्या मिला, 2H, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मोर वोलेटाइल एसिड्स, मोर वोलेटाइल एसिड्स आया, सबको समझ में आया, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी छठी, डिहाइड्रेटिंग नेचर, कौन सा नेचर, डिहाइड्रेटिंग नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग का मतलब पता है ना बेटा, पानी बाहर खींचने वाला एजेंट, ठीक है, अब देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, शुगर टर्न्स ब्लैक ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4, चीनी में अगर आप H2SO4 डालो तो काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं, बहुत क्योंकि सिंस इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वॉटर, वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वॉटर, इसकी वॉटर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, इसकी बहुत ज्यादा, मानी कि पानी जहां दिखेगा वहां खींच लेगा, ठीक है, ऊपर एक बार, तो हम क्या बोलते हैं, क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल C12H22O11, इसमें हमने डाला कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल 11 वॉटर के मॉलिक्यूल को बाहर खींच लेगा, तो क्या बचेगा, 12 कार्बन, इस प्रोसेस को बोलते हैं चैरिंग, CHARRING, बोर्ड में आ रखा है, व्हाट इज चैरिंग, ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, अब तक आ गया, आगे चलें,
और कुछ डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन के नाम रिएक्शंस में आपको दिखा देता हूं, ये समझ में आया। और कुछ डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस जो है मैं उसको दिखा देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मिक एसिड है HC OH, फॉर्मिक एसिड, इसमें आपने डाला कंसेंट्रेटेड एस्प्रेसो, या मेरे पास C OH ऑक्सैलिक एसिड है C OH, इसमें आपने डाला कंसेंट्रेटेड एस्प्रेसो, ठीक है, या मेरे पास है इथेनॉल CH2OH, इसमें मैंने डाला कंसेंट्रेटेड एस्प्रेसो 443 का। अब आएगा क्या, बाहर खींचेगा पानी, बाहर खींचेगा तो क्या बचेगा CO, इसमें क्या करेगा देखो ध्यान देना, एक CO, एक CO2 और ये पानी गया HOH का, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। ये क्या करेगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बाहर निकला, तो ये इसकी कुछ डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आगे चले, आ गया समझ में, आसान है, इजी है। अब डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 की बात कर लेते हैं, इसको भी हटाया, पॉज करके नोट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं यहां पे, ठीक है। फिर मेरे पास एक चीज और आती है, 7th प्रॉपर्टी, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 में हम क्या करते हैं, अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, H2SO4 एसिड, यानी कि H2SO4 इन वाटर। पहला तरीका क्या है कि H2SO4 इन वाटर विद कंटीन्यूअस स्ट्रीम, एक तरीका ये कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पानी की बॉटल है, ठीक है, ध्यान देना प्लीज, नहीं आएगा तो ना, ठीक है, H2SO4 को हम पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, या पानी को H2SO4 में डालेंगे, बोलो बोलो बोलो, ये वाटर है, ये H2O है, यहां पे आपने बाहर से डाला H2SO4, और स्टीरर होता है स्टीरर, उससे आप कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, वॉटर इन H2SO4, ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। अगर आपको H2SO4 का डाइल्यूशन करना है तो आप H2SO4 को वॉटर में मिलाएंगे और कंटिन्यूअसली उसको हिलाएंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट को फैलाने के लिए आप कंटिन्यूअसली हिलाते हैं, वॉटर में H2SO4 नहीं करते, क्यों नहीं करते, सिंस H2SO4 है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वॉटर, तो H2SO4 का मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, जैसे आप उसमें पानी डालोगे उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पहले मैं खींचूंगा इस वॉटर को, पहले मैं खींचूंगा, तो H2SO4 बीकर से बाहर आके गिर जाएगी, ठीक है, सिंस इट विल स्पिल द एसिड, एसिड मतलब H2SO4 आउट ऑफ द कंटेनर, आउट ऑफ द बीकर, ठीक है, तो क्या करेगा ये एसिड जो है H2SO4 बीकर से बाहर निकल जाएगा चलाई झगड़े की चक्कर में, ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आ गया होगा। तो ये H2SO4 की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस भी देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे चलेंगे, यूजेस में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यूजेस मैं कभी नहीं पढ़ाता हूं, पर क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में बताने पड़ते हैं आपको यूजेस, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यूजेस ऑफ H2SO4, भैया यूजेस ही यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है, क्यों है यूजेस, क्या होता है H2SO4, इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है बेटा, किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहला फर्टिलाइजर, दूसरा एक्सप्लोजिव्स,
तीसरा डिटर्जेंट्स, चौथा इंसेक्टिसाइड्स, पांचवा एस पिकलिंग एजेंट। पिकलिंग एजेंट क्या होता है? देखो क्या होता है, अगर सपोज जिंक है मेरे पास या आयरन है, उसकी मुझे जिंक का मुझे कुछ भी करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके एस्टोसो को क्या करता है, रिमूव बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि एस्टोसो को एसिड है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल। मेटल के सर्फेस पे, मेटल के सर्फेस पे अगर कोई बेसिक ऑक्साइड जमा है उसमें एस्टोसो डाल दो, उस बेसिक ऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, डिकम्पोज करके बाहर निकाल देगा, मेटल का सर्फेस फ्री हो जाएगा, फिर आपको जो करना है आप उसमें करिए। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? ठीक है, फिर छठा स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी। ठीक है, और सातवां लैब रीजन, बस। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आज का काम समाप्त, ये ग्रुप 16 खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ग्रुप 17। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।